बिग बॉस के बाद अब खतरों के खिलाड़ी शो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर रोज कई नए नाम जो है सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब एक और नाम जो है सामने आया है और ये नाम है बिग बॉस 14 के उस कंटेस्टेंट का जो करना तो इस शो को होस्ट चाहता है लेकिन बतौर कंटेस्टेंट जो है उसे इस शो का ऑफर दिया गया है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। हालांकि अभिषेक और मुनावर ये दो लोग हैं जिनको लेकर नाम सामने आ रहा था कि इन दोनों को जो है ऑफर किया गया है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की जगह नाम जिसका सामने आया है वो है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा को मेकर्स अब खतरों के खिलाड़ी में चाहते हैं और जो डील है वो जल्द ही साइन होने वाली है, इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं। तो एक बात है कि जहां मुन्नावर पहले भी ये शो करने वाला था लेकिन वीजा के चलते वो इस शो को नहीं कर पाया, वहीं इस साल अभिषेक का नाम सामने आया। लेकिन अभिषेक के साथ दिक्कत यह है कि वो क्लस्ट्रोफोबिक है और उसको जो है कुछ चीजों के लेकर एक लिमिटेशन है, तो शायद वो ये शो ना करे। ईशा ने कहा कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो तो जरूर करेगी। वहीं अब मनारा का नाम सामने आ रहा है। मनारा जो है ये शो को होस्ट करना चाहती थी और इस बात की इच्छा जो है उसे रोहित शेट्टी के सामने जाहिर भी की थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि वो इस शो में बतौर कंटेस्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि क्या मनारा को ये शो करना चाहिए या नहीं, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताइएगा।